स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स की कि कल आपके पेपर में आपको क्या कुछ करना है कि कुछ और नंबर का आपको फायदा मिले। ठीक है बेटा, अब देखो यार मैं पहले आपको कहता हूं जो मेन बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है नेम रिएक्शन में बहुत से बच्चों को नहीं पता करना क्या है। नेम रिएक्शन जब करते हैं ना तो उनको डिफाइन भी करना होता है, लिखना होता है। लाइक मैं बात करूं वुड्स रिएक्शन की, उसमें RX+2NaRX ड्राई एथर वो लिखते हैं, बट उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं दैट इन दिस प्रोसेस अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्लियर, नेम रिएक्शन आएंगी। और नेम देखो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन बहुत जरूरी है, उससे कन्वर्जन हो सकते हैं, ABCD वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और घबराओ मत, पेपर आसानी बनने वाला है, मॉडरेट बन जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे करते होते हैं? न्यूमेरिकल्स की बेटा जी ये बात है कि पहले हमेशा स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट जो भी होगी लिखनी है वो। तो उसमें क्या आप लिखोगे, क्या डाटा गिवन है, और प्लीज सारे फॉर्मूलाज अभी याद कर लो, फॉर्मूला लगाना है। आंसर स्टार्टिंग में मत निकालना, टाइम बचे तब बाद में निकाल लेना। ठीक है, और टेस्ट जितने भी नंबर का टेस्ट है देख लेना कि अगर 3 नंबर का टेस्ट आ रहा है तो 2 टेस्ट लगा देना वहां पे। ठीक है, लाइक मैं बात करूं बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, तो उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। उसके अलावा आप टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी लगा सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी लगा सकते हो। क्लियर है। अब बेटा जी बात करते हैं हमारे पेपर के पैटर्न की। 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारा पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 मार्क्स का होता है, जिसमें पैसेज आ सकता है, रीजन असर्शन आती है, MCQ एंड 1 लाइनर आएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने साइडमेंट को टाइम दिया है। ठीक है, मैक्सिमम 45 मिनट्स में, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 45 मिनट्स लगने ही वाले। और प्लीज आपने इसका ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा टाइम ना दो आप। ठीक है, वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री का पेपर किसी बच्चे को छूट जाए, कभी भी नहीं होता। अगर किसी को आता है उसका भी टाइम से पहले हो जाता है, और जिसको नहीं आता उसका तो हो ही चुका है टाइम से पहले। ठीक है ना, अगली बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, 14, और 2 चॉइस होंगी। तो प्लीज जहां पे भी चॉइस हो प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको कम आता है, एक क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आता है। ठीक है, उस 15 मिनट का अच्छे से यूज करना है, पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है कि इसके अंदर है क्या, हमने करना क्या है। बहुत बार बच्चों के साथ ये होता है कि वो सीरियल वाइज चलते जाते हैं, मैक्सिमम टॉपर्स की बात होती है, और उन्हें लगता है यार ये और वाला मुझे जो नीचे ऑप्शन है ये मुझे ज्यादा अच्छे से आता था और मैंने पहले वाला लिख दिया। देखो राइटिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, अगर मैं बात करूं कि राइटिंग बहुत मैटर करती है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप देखो अपने साइंस वाले जो टॉपर होते हैं इनकी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं होती, बट पेपर वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छे से आपने लिखा हो। ठीक है, कटिंग को अवॉइड ही करना। ठीक है, और टू दी पॉइंट लिखने की बात करना, वैसे आप टू दी पॉइंट ही लिखोगे, ज्यादा तो बना भी नहीं सकते, क्या बनाओगे, इंग्लिश थोड़ी है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या होगा, 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच, जिसमें 3 चॉइस नहीं होंगी भाई, इसमें 2 चॉइस होंगी, 2 चॉइस होने वाली है। ठीक है, और सेक्शन डी सबसे लास्ट में, सेक्शन डी ही करना है आपने बेटा, ध्यान से समझ के करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों में चॉइस होगी, तो प्लीज ध्यान से देख लेना कि तुम्हें कौन सा आता है। ठीक है, और 45 मिनट्स आप लोगों ने मैक्सिमम देनी है। ठीक है, और इस तरह से अगर इतना टाइम भी देते हो, मैंने मैक्सिमम टाइम दिया, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं श्योरली बोल रहा हूं इतना टाइम लगने ही वाला जितना टाइम दिया है, फिर भी टाइम इधर उधर भी मैनेज हो जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूं 3 क्वेश्चन में 45 मिनट्स नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, मान लो कन्वर्जन हो गया या ABCD वाला हो गया, उसमें कितना टाइम लगा सकते हो, 2 दी पॉइंट लिखोगे। ठीक है, नहीं वो 2-4 मिनट में हो जाने वाला है। अगले 2 बच्चे वो DNF से हो सकता है। एक अच्छा ये तो पता ना 5 मार्क्स कैसे होते हैं, फिजिकल से आएगा 5 मार्क्स का, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, किसी भी चैप्टर से बन सकता है। जनरली जो 5 मार्क्स का है फिजिकल में से बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से या सॉल्यूशन में से, जनरली होने को कुछ भी हो सकता है। कल नई चीज होगी सभी के लिए, सभी टीचर्स के लिए भी एक नई बात है। ठीक है, और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बेटा जी, प्लीज अवॉइड करो, बहुत से लुटेरे एक्टिव हो चुके हैं, मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, पेपर लीक पॉसिबल नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं और वो गायब हो जाते हैं पैसे लेके, मैं सच बोल रहा हूं, प्लीज अवॉइड करो। ठीक है, और अभी टाइम है, पासिंग मार्क्स का पढ़ लेना, वो 80 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, उनको अच्छे से देख लेना। और हाँ एक और जरूरी बात, जैसे ना फिजिक्स में क्या हुआ था कि बच्चों को लगा बाहर से आया पेपर, थोड़ा सा मुश्किल था,
केमिस्ट्री में वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ, बाकी क्या पता अगर ऐसा हो जाता है। पेपर अटेम्प्ट सारा करना है आपने, ठीक है, कुछ भी आएगा भाई, कुछ भी आ गया, मान लो नेम रिएक्शन कुछ किसी भी चैप्टर से आएगा, आपको ये तो पता लग जाएगा हाँ यार ये इस चैप्टर से है, कुछ तो लिख के आओगे, लिख के सारा ना अटेम्प्ट सारा पेपर करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर देखा जाते हैं कि यार चलो रियल में बता रहा हूं कि चलो नहीं बन रहा है, एक आधा नंबर हम ही जोड़ देते हैं, बन सकता है ऐसा, तो प्लीज अटेम्प्ट सारा पेपर करना आप लोगों ने। बस यही थी बेटा टिप्स, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैंने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना और सीरियल वाइज चलने की कोशिश करना, नहीं आता एक अच्छा, ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि स्टार्टिंग में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू का ये है भाई, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, मान लो कि अभी नहीं आ रहे क्या, तो उसको छोड़ सकते हो, बाद में कर लेना, ठीक है। और टॉप कहते हैं ना, वो टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सब कुछ वैलिड है, वैलिड मतलब पर्चे नहीं, एक आधा फ्रेंड से पूछ सकते हो, ज्यादा सत्यावादी रिश्तेदार नहीं बनना पेपर में, ठीक है, कर लेना अगर पॉसिबल हो जाए तो। बाकी अपनी मेहनत ही करके जाओ, क्योंकि दोस्त गलत भी बता देते हैं, ठीक है, दोस्त पट्टे होते हैं, जानबूझ के गलत बता देते हैं। चलो बेटा ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, और बाकी पैसेज टाइप की वीडियो बना दी है, एमसीक्यू की बना दी है, रीजनल सेशन की थोड़ी देर में आ जाएगी, और ऑल दी बेस्ट अगेन, अच्छा करके आना, नाम रोशन करके आना अपने पेरेंट्स का और अपने सर का। थैंक यू सो मच बेटा जी, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।